हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पार्चेशन एंड लैक्टेशन अब जो गैस्ट्रेशन पीरियड होता है पूरी टाइम जो है प्रेगनेंसी का कितने टाइम तक चलती है नाइन मंथ्स तक चलती है डेवलपमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट एम्ब्रियो डेवलपमेंट कब तक होता है कितने टाइम तक होता है नाइन मंथ्स तक होता है नाइन मंथ्स तक पूरा जो फीटस है वो फुली डेवलप्ड हो जाता है तो ड्यूरेशन ऑफ़ प्रेगनेंसी उसको कहते हैं गेस्टेशन पीरियड द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट नाइन मंथ्स कितने मंथ्स की होगी नाइन मंथ्स की होगी विच इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड उसको क्या कहेंगे इस ड्यूरेशन को गेस्टेशन पीरियड अब जब फुली डेवलप हो जाएगा फीटस तो चाइल्ड बर्थ हो जाएगा चाइल्ड बर्थ को कहेंगे फिर पांच ड्यूरेशन The act of expelling the full-term फीटर्स from the mother's uterus at the end of gestation period. Gestation period की एंड पर जो फुली डेवलप फीटर्स है उसको उसके बाहर निकलने को यूटेरस से उसको कहेंगे पाचूरेशन इट इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म अब कौन कंट्रोल करता है इस पूरे मैकेनिज्म को और पाचुरेशन को प्रोसेस को कौन कंट्रोल करके रखता है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म अब इसमें क्या होगा फर्स्ट जब जो फीटस है वो डेवलप हो जाएगा फुली डेवलप हो जाएगा फीटस एंड प्लेसेंटा भी डेवलप हो गई तब तो वो सिग्नल देगी किसको यूटेराइन की वॉल को सिग्नल देगी यूटेराइन की जो वॉल है कौन सी जो मिडिल लेयर है मायोमेट्रियम उसमें कॉन्ट्रेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है जब फीटस डेवलप हो जाएगा प्लेसेंटा डेवलप हो जाएगी तब सिग्नल जाएगा किसको मायोमेट्रियम को और मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा इस प्रोसेस को कहेंगे फीटर इजेक्शन रिफ्लेक्स ठीक है रिफ्लेक्स एक्शन होता है अब इसकी वजह से क्या होगा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो किसका सिक्रेशन स्टार्ट कर देगी ऑक्सीटोसिन का जो मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ऑक्सीटोसिन का स्टार्ट सिक्रेशन स्टार्ट कर देगी ऑक्सीटोसिन क्या है बर्थ हॉर्मोन है क्या काम करता है ये भी मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है तो पहले तो कैसे थे कॉन्ट्रेक्शन माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन थे बहुत कम लेवल पे थे कॉन्ट्रेक्शन फिर सिग्नल गया उन कॉन्ट्रेक्शन की वजह से किसको एंटीरियर पिच्यू को उसने ऑक्सीटोसिन रिलीज करना स्टार्ट कर दिया अब ऑक्सीटोसिन जैसे जैसे रिलीज होगा वैसे वैसे कॉन्ट्रेक्शन जो है वो स्ट्रोंगर होते जाएंगे तो ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ उसने फिर क्या करा और ज़्यादा मसल कॉन्ट्रेक्शन को इंड्यूस कर दिया अब मसल कॉन्ट्रेक्शन और इंड्यूस हो गए तो दोबारा सिग्नल किसको जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी को और दोबारा से क्या हो जाएगा ऑक्सीटोसिन और ज़्यादा रिलीज होगा और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा तो मसल कॉन्ट्रेक्शन जो है और वो और बढ़ जाएंगे और स्ट्रॉगर हो जाएंगे फिर अगेन सिग्नल किसको जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी को वो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करेगा और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा मसल कॉन्ट्रेक्शन को स्ट्रॉगर बनाएगा तो क्या होता है ये पॉजिटिव फीडबैक है रिफ्लेक्स एक्शन है किस पर बेस्ड है ये पॉजिटिव फीडबैक पहले तो मसल कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हुए किसकी वजह से फीटस डेवलप हो गया प्लेसेंटा डेवलप हो गया इस वजह से जिसको कहा फीटल इजेक्शन रेफ्लैक्स अब इसका सिग्नल किसको गया एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को उसने रिलीज किया ऑक्सीटोसिन जिसने और बढ़ा बढ़ा दिया मसल कॉन्ट्रेक्शन को मसल कॉन्ट्रेक्शन और बढ़ गए तो दोबारा और स्ट्रांगर सिग्नल गया किसको पिट्यूटरी को तो उसने और ज़्यादा रिलीज़ किया ऑक्सीट्रोसिन ऐसे तो ही साइकिल चलता जाता है और ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा रिलीज होता जाता है और मसल कॉन्ट्रेक्शन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग हो जाते हैं विच लीड टू एक्सपर्शल ऑफ द बेबी फ्रॉम द यूटेरस थ्रू द बर्थ कैनाल जिसकी वजह से जो बेबी है जो फुली डेवलप बेबी है वो बाहर आ जाता है यूटेरस से किसके थ्रू जो बर्थ कैनाल थी बर्थ के क्या, क्या थी जो सर्वाइकल कैनाल थी सर्विक्स की जो कैविटी थी एंड जो वेजाइना की कैविटी थी उन दोनों को मिला के क्या कहेंगे बर्थ के नाथ कब चाइल्ड बर्थ के टाइम पे तो वहाँ से होकर जो बेबी है वो बाहर आ जाएगा जिसको कहेंगे पांच रेशन नाओ सेकेंड इलेक्ट्रिशन अब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गेस्ट स्टेशन पीरियड जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं डेवलप हो जाती हैं डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं और मिल्क सिक्रेशन स्टार्ट कर देती हैं एट द एंड ऑफ गेस्ट पीरियड ठीक है पीरियड के एंड पर क्या कर देंगी वो मिल्क सिक्रेशन स्टार्ट कर देंगी दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू न्यूबॉर्न जो है उसको नरिशमेंट मिलेगा मिल्क पर ही फीड करते हैं न्यू बॉर्नस अब द मिल्क दैट कम्स आउट ऑफ द मेमरी ग्रेंस ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन लैक्टेशन की इनिशियल डेज में लाइक जस्ट आफ्टर पाचुरेशन जो मिल्क सीक्रेट होता है मेमरी ग्रेंस से उसको कहेंगे कोलेस्ट्रॉल अभी क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू रखता है बेबी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है क्यों क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत सारे लाइक कैल्शियम फैट्स लैक्टोज ये सारे न्यूट्रंट्स होते हैं जो बेबी को मिल जाते हैं प्लस इनके अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं आई एंटीबॉडीज़ होती हैं उनके टाइप्स होते हैं अलग अलग तो कौन सा टाइप होता है एंटीबॉडी का आई ए वो भी मिल्क में कोलेस्ट्रम में प्रजेंट होती हैं जो क्या करती हैं पैसिव इम्यूनिटी देती हैं किसको बेबी को यानी ये जो एंटीबॉडीज़ हैं जो मदर की बॉडी में फॉर्म हो गई वो डायरेक्ट ऐसे कैसे किसकी बॉडी में चली जाती हैं बेबी की बॉडी में चली जाती हैं अब डायरेक्टली बनी बनाई एंटीबॉडी मिल रही हैं बेबी को तो उसको क्या कहेंगे अपन पैसिव इम्यूनिटी और अगर खुद की बॉडी में बनती हैं तब कहेंगे उसको एक्टिव इम्यूनिटी तो कौन सी इम्यूनिटी मिल रही है डायरेक्टली बनी बनाई जो एंटीबॉडीज़ हैं आई वो मिल्क के थ्रू कहाँ किसको मिल रही हैं बेबी को तो इसको कहेंगे फिर पैसिव इम्यूनिटी तो कोलेस्ट्रॉल क्या है मिल्क जो सीक्रेट होता है इनिशियल डेज में लैक्टेशन की इनिशियल डेज में या फिर जस्ट आफ्टर पार्चेशन दस ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी तो रिकमेंड करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को यानी मदर्स मिल्क ही बेस्ट होता है फॉर द बेबी